फ्रेंड्स, वेज मंचूरियन बनाने के लिए हम लेंगे किसा हुआ गोभी, एक कप गाजर, एक कप कटी हुई फूलगोभी कॉलीफ्लावर, आधा कप कैप्सिकम, आधा कप फ्रेंच बीन्स। अब हम इन सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इस मिक्सचर में मिला लेंगे एक कप मैदा, दो से तीन टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, अब हमें इसे अच्छी तरह से गूंदना है इस आटे को। इसकी एक अच्छी सी कोटिंग और एक बाइंडिंग बननी चाहिए इस सब वेजिटेबल्स में, तभी जाके हमें अच्छे से बॉल्स मिलेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से दबा दबा के मिक्सचर बनाएंगे तो ये सब्जियां अपने मॉइस्चर छोड़ के एक डो की तरह बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग करेक्ट नहीं हो रही है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर में हम सीजनिंग के लिए जरूरत अनुसार नमक डालेंगे। इसमें कटी हुई हरी मिर्च, और अगर आप ज्यादा तीखा खाने वाले हो तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंचूरियन बनाने के लिए, बॉल्स बनाने के लिए हमें सही कंसिस्टेंसी मिल गई है। अब इसके हम बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब देखते हैं, ऑयल हीट हो चुका है। अब मंचूरियन के बॉल्स ले लेके हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे।
तो गाइस सॉस बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल लेंगे ज़रूरत अनुसार। अब उसमें कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और कुछ करी पत्ते और हरी मिर्च कटी हुई लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज भून रहा है और लगभग भून चुका है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस देंगे। आधा चम्मच विनेगर, और 1 चम्मच चिली टोमेटो सॉस लेंगे। अब इसमें थोड़ा MSG, थोड़ा जरूरत अनुसार नमक, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे जिससे हमें ग्रेवी सा मिले। अब हम इस सॉस में मंचूरियन बॉल्स को डाल लेंगे और अच्छे से टॉस कर लेंगे। और हम इसमें कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर डालेंगे जिससे कि सॉस थोड़ी गाढ़ी हो सके। हमारा मंचूरियन रेडी हो चुका है, या कोथमीर से गार्निश कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन रेडी है।